शांति। हमारे भारत देश की भूमि, आध्यात्म की भूमि, ऋषि मुनि, साधु संत, महात्माओं, देव आत्माओं की भूमि रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक हम भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में बखूबी देख सकते हैं। इन त्योहारों में बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य समाये होते हैं। अगर हम उन रहस्यों को समझ लें तो हम अपने जीवन जीने की कला बहुत सुंदर रीति से सीख सकते हैं। इन्हीं त्योहारों में से आज से हम सभी विशेष नवरात्रि का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। जब नवरात्रि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या चित्र सामने आता है? चारों तरफ देवियों का आह्वान करना, व्रत, जागरण, उपवास करना, चारों तरफ सात्विक वातावरण का प्रभाव हमें नजर आता है। कितनी श्रद्धा, कितनी भावना से हम इन शक्तियों का, जिन्हें शिव शक्ति के नाम से पुकारा जाता है, इन शिव शक्तियों का हम आह्वान करते हैं। इन शिव शक्तियों को, जिन्हें अष्टभुजाधारी, सिंह वाहिनी, असुर संघारिणी के रूप में गाया और पूजा जाता है, तो वास्तव में ये शिव की शक्तियाँ कौन थी और हम उनकी शक्तियों को अपने जीवन में कैसे धारण करेंगे? तो आज हम इस बात पर ज़रा विचार करते हैं कि नवरात्रि को मनाने के पीछे वास्तविक रहस्य क्या है और इन नवरात्रियों में इन शक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें। इन देवियों को एक तरफ हम असुर संहारिणी, शक्तिदायिनी इस रूप में देखते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें माँ माँ कहकर उनसे वरदान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं। तो शक्ति और स्नेह दोनों का एक बहुत सुंदर समन्वय हमें इन देवियों में दिखाई देता है, जिनके चरणों में असुर को दिखाया गया है और असुर संघारिणी कहकर जिन्हें बुलाया गया है। तो क्या वास्तव में ये देवियाँ हिंसक थी, असुरों को मारने की हिंसा की, या इसके पीछे कोई और भाव है? हम खाने पीने का व्रत करते हैं, 9 दिन जागरण करते हैं, लेकिन क्या 9 दिन के लिए ही शक्ति की ज़रूरत है या जीवन भर हमें शक्तिशाली बनना है? इन सब रहस्यों को हमें अवश्य जानना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम ये समझते हैं कि जिन देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया गया है, तो वास्तव में ये अष्टभुजाएँ किस बात का प्रतीक है? क्या किसी को, मनुष्य को अष्टभुजाएँ हो सकती है? क्या ये फिजिकल फॉर्म है या इसके पीछे कोई और भाव है? भुजा शक्ति की निशानी होती है। तो अष्टभुजाएँ अर्थात हम आत्माओं के अंदर परमात्मा से प्राप्त हुई अष्ट शक्तियाँ विराजमान हैं और इन्हीं शक्तियों को भुजा के रूप में, सांकेतिक रूप में दिखाया गया है। जैसे एक हाथ हमारी शक्ति की निशानी है, हम हाथों से हर कार्य करते हैं, इसी तरह है, आत्मा अपनी शक्तियों के द्वारा अपने मनोविकारों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करती है। और एक एक हाथ में एक एक शस्त्र भी दिखाया गया है। तो ये शस्त्र वास्तव में कोई स्थूल हिंसक हथियार नहीं है, ये है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। ज्ञान अर्थात समझ। तो जब हमारे जीवन में समझ आती है, तो उस समझ के द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, अपने जीवन की खुशी और शांति को कायम रख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम 9 दिन जागरण करते हैं। तो जागरण अर्थात रात्रि को जागरण किया जाता है। तो रात्रि ही क्यों नव रात्रि कहा जाता है? नव रात्रि शब्द ये संकेत देता है कि रात अंधेरे का सूचक है। जब अज्ञान अंधकार इस विश्व में फैल जाता है, तो परमात्मा अपनी शक्तियों, अपने ज्ञान, अपने गुणों के द्वारा हमारे मन के अंधकार को दूर करते हैं। इसीलिए हम स्थूल रूप में जागरण करते हैं, परंतु वास्तव में हमें अपनी आंतरिक जागृति, आंतरिक शक्तियों को जगाना है ज्ञान योग के द्वारा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भक्तजन देवियों की आराधना के लिए, उपासना के लिए 9 दिन व्रत रखते हैं, खान पान का व्रत रखते हैं, अशुद्ध भोजन नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं,
लेकिन क्या 9 दिन के लिए ही हमें व्रत रखना है या इस व्रत का कोई और गहरा अर्थ है? वास्तव में व्रत अर्थात एक नियम, अपने लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा। कहा जाता है दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो अगर हम कोई कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो वो कार्य हमें सफलता अवश्य दिलाता है। इसी प्रकार अगर हम भी अपने मन में इस बात का दृढ़ संकल्प कर लें, इस बात का व्रत कर लें कि आज से मैं सदा खुश रहूँगा, आज से मैं किसी पर क्रोध नहीं करूँगा, आज से मैं किसी के लिए नकारात्मक अर्थात नेगेटिविटी में उसके प्रभाव में नहीं आऊँगा, किसी के लिए नेगेटिव बोल अपने मुख से नहीं बोलूँगा, किसी के बारे में किसी और को व्यर्थ बातें नहीं सुनाऊँगा, अगर हम इस तरह की कमजोरियों का व्रत ले लें तो हमारा जीवन सदा के लिए सफलता के मार्ग पर जाने लगेगा। व्रत इसीलिए लिया जाता है कि हमारे अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा आए तो हम भी इस नवरात्रि पर अपनी कमजोरियों को छोड़ने का व्रत धारण करें। देवियों के आगे अखंड दीप प्रज्वलन किया जाता है, अखंड दिया जगाया जाता है और उस दिए का बहुत ध्यान दिया जाता है कि ये दिया कहीं बुझ ना जाए। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं वास्तव में दीपक ज्योति की निशानी है, प्रकाश की निशानी है। तो इसका भावार्थ ये है कि इस शरीर रूपी मिट्टी के घर में आत्मा एक अखंड ज्योति है, तो हमें उस ज्योति को, उसके ज्ञान के प्रकाश को कभी भी बुझने नहीं देना है। अर्थात उस ज्ञान के प्रकाश पर अज्ञान का अंधकार कभी भी हावी ना हो पाए। हमारी आत्मा के जो मूल गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, उन पर कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों का वार ना हो। अहंकार, अज्ञान रूपी अंधकार इस ज्ञान के प्रकाश रूपी दीपक को बुझा ना पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दिया अर्थात देने वाला, जैसे दिया सदा प्रकाश देता ही रहता है, ऐसे मुझे भी देने वाला दिया बनना है। सबको सदा स्नेह देना है, शक्ति देनी है, सहयोग देना है, सत्कार सम्मान देना है। तो देना अर्थात सदा के लिए भरपूर बन जाना, अपने आप को भरपूर बनाना। जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वो सदा दाता है, देने वाला है, ऐसे हम भी उस परमात्मा के बच्चे होने के नाते सदा ऐसा अखंड दिया बने जो औरों को भी भरपूर कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि माँ दुर्गा की शेर पर सवारी दिखाते हैं। वास्तव में शेर से तो सभी को बहुत भय लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन एक शक्ति स्वरूपा माँ शेर पर सवार कैसे हो सकती है? स्थूल रूप में शेर की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में शेर अर्थात भयानक परिस्थितियाँ, जीवन को हलचल में लाने वाली परिस्थितियों पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तब वो वाहन के रूप में चित्रित किया गया है कि शेर जैसी इतनी भयानक परिस्थितियों को भी अपनी आंतरिक शक्तियों के बल से हमने वश कर दिया। हम उनके प्रभाव में तनिक भी प्रभावित ना हों लेकिन अपना प्रभाव उन पर डाल सके। और जो असुर संघारिणी के रूप में माँ दुर्गा को असुर का वध करते हुए दिखाया गया है, तो असुर वास्तव में कौन है? असुर माना हमारे मन की कमजोरियाँ, हमारे मन की वीकनेसेस, हमारे दुर्गुण, हमारे अवगुण, जो कई बार हमारे आंतरिक गुणों पर हावी हो जाते हैं। तो अब हमें उन आसुरी व्रतियों पर विजयी शिव शक्ति स्वरूपा बनना है। तब हम भी इसीलिए देखिए दुर्गा का पर विजय प्राप्त करने वाली, तो असुर कोई शारीरिक असुर नहीं है, लेकिन हमारी कमजोर व्रतियाँ, हमारी नकारात्मक व्रतियों को असुर के भयानक स्वरूप में दिखाया गया है। और इसी के साथ नवरात्रि के 9 दिन सभी आपस में खूब गरबा रास, डांडिया रास करते हैं। तो ये एक कितना सुंदर डांस फॉर्म है, लेकिन ये डांस फॉर्म सुंदर कब बनता है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
अपनी डांडिया की ताल मिलाता है। अगर एक व्यक्ति किसी और दिशा में अपनी डांडिया चलाए और दूसरा व्यक्ति कुछ और दिशा में चलाए तो एक दूसरे को चोट भी लग सकती है। तो एक दूसरे के तालमेल से ही वो रास का स्वरूप बनता है। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में हर एक के संस्कार, हर एक के स्वभाव, हर एक की नेचर को, हर एक के व्यवहार को देखकर, परखकर और फिर उनके साथ संबंध संपर्क में आए तो कभी भी आपस में हमारे अंदर संस्कारों का टक्कर नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर संस्कार मिलन की बहुत सुंदर रास कर सकेंगे। और यही संस्कार मिलन की रास रिश्तों में समरसता लेकर आएगी, हार्मनी इन रिलेशंस लेकर आती है। तो क्यों ना इस नवरात्रि पर हम इस सुंदर आध्यात्मिक रहस्य को अपने जीवन में धारण करें। नवरात्रि यादगार है आसुरी शक्ति पर ईश्वरीय शिव शक्तियों के विजय की। नवरात्रि यादगार है दुर्गुणों पर सद्गुणों के विजय की। नवरात्रि यादगार है अज्ञान अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश के विजय की। तो आइए इस सच्चे अर्थ के साथ हम इस बार ये नवरात्रि मनाएं और अपने जीवन में भी इन सर्व शक्तियों का आह्वान करें और स्वयं भी माँ दुर्गा समान शक्ति स्वरूपा बन सर्व दुर्गुणों का नाश करें। जितना जितना हम सोल कॉन्शियस बनेंगे, अर्थात मैं एक पवित्र आत्मा, एक शुद्ध आत्मा, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं यहाँ निवास करने वाली आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, जितना अपने गुणों को हम इमर्ज करते जाएंगे उतना उतना वो एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। और उस एनर्जी के बदले जो भी हमारी वीकनेसेस है वो वीकनेस, वो अवगुण धीरे धीरे मर्ज होते 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 समाप्त हो जाएंगे। तो आइए इस सच्चे स्वरूप में इस नवरात्रि को हम मनाएं और आत्मस्मृति का दीपक जलाकर इस अज्ञान अंधकार को दूर भगाएं। तो आज से लेकर अगले 8 दिनों तक हम हर दिन एक एक शक्ति के बारे में जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये शक्ति कौन सी देवी का यादगार है। तो आज की जो शक्ति है, पहले दिन की शक्ति, वह है पावर टू विड्रॉ, अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या इसे कहें पावर टू डिटैचमेंट। तो आज हम ये जानेंगे कि डिटैचमेंट अर्थात क्या है। जैसे एक कछुआ जब उसे कोई भी खतरा अपने आसपास अनुभव होता है तो वो क्या करता है, तुरंत अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, अपने सारे अंगों को अंदर की ओर समेट लेता है और उसके ऊपर जो एक मजबूत कवच बना होता है उस कवच में वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, अर्थात विस्तार को समेट लेता है, सार में आ जाता है। और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई गाड़ी भी निकल जाए या उस पर कोई वार करने की कोशिश भी करे तो वो कछुए को उसके वातावरण, उस प्रभाव से कोई हानि नहीं होगी, वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित अनुभव करता है क्योंकि उसने सही समय पर अपने आप को डिटैच करना सीख लिया। तो डिटैचमेंट अर्थात सभी से न्यारा, सभी से संबंध तोड़ना नहीं है। कई बार हम डिटैचमेंट का गलत अर्थ समझ लेते हैं। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं कि हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन डिटैचमेंट अर्थात दूसरों के वातावरण, दूसरों के संस्कार, दूसरों की आदत, दूसरों की नेचर से हम दुखी ना हो, हम परेशान ना हो, लेकिन हम ऐसे डिटैच होकर रहे कि उन्हें भी अपनी गुड विशेस का, अपनी भावनाओं का, शुभ भावनाओं का सहयोग दे सकें। अगर हम इमोशनल लेवल पर अटैचमेंट को देखें तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं किसी के साथ बहुत गहरी रीति इमोशनली अटैच्ड हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर वो व्यक्ति खुश है तब तक मैं भी खुश रहूँगी, अगर उस व्यक्ति को किसी बात की उदासी है तो मेरे दिल में भी उदासी आ जाएगी, अगर उसने मेरे अनुसार कोई कार्य नहीं किया, मेरी एक्सपेक्टेशंस को उसने पूरा नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, मैं उनके प्रति फिर नाराज़गी का ही व्यवहार करूँगी।
तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, दोनों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस का ही लेन देन होना शुरू हो जाता है। एक से दूसरे को, दूसरे से पहले वाले को नेगेटिव एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसके विपरीत अगर हम डिटैचमेंट को देखें, अगर वो व्यक्ति उदास है लेकिन मैं शांत हूँ, अगर वो नाराज़ है लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी वाइब्रेशंस, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति को दे सकूँगी। उसके प्रभाव में मैं आकर परेशान, दुखी या अशांत नहीं होंगी। तो इसलिए आज हमें इस नवरात्रि के पहले दिन ये जो विस्तार को सार करने की शक्ति अर्थात पावर टू विड्रॉ, इसे अपने जीवन में लाना है। किस समय, किस परिस्थिति में हमें डिटैच होना है और डिटैच होकर अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें और अपने गुड वाइब्रेशंस, अपने पीस के वाइब्रेशन, अपनी खुशी के वाइब्रेशन औरों को पहुंचाएं। इसके लिए सारे दिन में थोड़ा समय अवश्य निकालें। आज सारा दिन जब भी समय मिले ये अभ्यास अवश्य करें, कार्य में आए, व्यवहार में आए, सबके साथ संबंध संपर्क में आए। जैसे ही कार्य पूरा हुआ डिटैच हो जाएं और अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर अपने आप के अंदर शक्तियों का अनुभव करें, मेडिटेशन करें। और इस शक्ति का यादगार वास्तव में माँ पार्वती देवी को दिखाया गया है। पार्वती अर्थात परिवर्तन करने वाली, परिवर्तन करने के लिए सदा तैयार रहने वाली। तो हम भी ऐसी पार्वती देवी बने जो सदा स्व परिवर्तन के लिए तैयार रहे, औरों का परिवर्तन करने की प्रतीक्षा इंतज़ार में ना रहे, लेकिन स्व परिवर्तन के द्वारा औरों का हम भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मैं दूसरों के परिवर्तन का इंतज़ार करूँगी तो मेरा परिवर्तन भी उनके इंतज़ार में रह जाएगा। तो स्व परिवर्तन का पहला कदम हम उठाएं तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन अवश्य हो ही जाएगा। तो आज इस शक्ति का सारा दिन अभ्यास करें, कल हम फिर एक और शक्ति के बारे में जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।